सैमसंग ने लॉन्च की उनकी नई S21 लाइनअप। व्हाट्सएप बहुत हार्ड ट्राई कर रहा अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी क्लैरिफाई करने का। CES पे लॉन्च हुए बहुत सारे अमेजिंग डिवाइसेस। PSY प्री ऑर्डर्स चालू होते ही खत्म हो गए। वी आर द टू टेक डूड्स और ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज़। हफ्ते हुई बहुत सारी कंट्रोवर्सी अराउंड व्हाट्सएप और उनकी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। जो सबके आई थिंक व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आई है कि अगर आप अग्री नहीं करोगे तो फेवेट से आपका अकाउंट हुआ। तो व्हाट्सएप ट्राई कर रहे हैं काफी क्लैरिफाई करने का। उसके बाद से न्यूज़पेपर पे एड्स डाले, ट्विटर पे पोस्ट डाले, पता नहीं जहां भी उनको दिख रहा था उन लोगों ने बस ये पोस्ट डाले कि उनकी पॉलिसी इज अबाउट क्लैरिफाइंग जो उनकी ऑलरेडी है प्राइवेसी स्टेटमेंट्स इन प्लेस कि आपका डेटा कैसे यूज होता है उसको बेसिकली वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। एंड नॉट कि वो आपके मैसेजेस रीड करने वाले या फिर आपके ऑडियो मैसेजेस रीड करने वाले या फिर आपकी शेयर लोकेशन देखने वाले, ये ना उनको देखेगा ना फेसबुक का देखेगा। तो इस सब मैस के बीच में लोगों ने अपना डेडलाइन भी पोस्टपोन कर दिया, फेब 8 से आई थिंक May 15 कर दिया उन्होंने। तो डर मत, अगर आपने अग्री नहीं किया तो आपका कोई अकाउंट जाने नहीं वाला कहीं भी। एंड वैसे ऑनेस्टली मैं तो बोलता कि अगर आपने फेसबुक पे लॉगिन भी कर लेना एक बार आपका डेटा चले गए और क्या कर रहे हो। तो सैमसंग ने S21 लाइनअप लॉन्च करने से पहले अनाउंस किया था उनका Exynos 2100 चिपसेट, जो कि उनका फर्स्ट 5 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है। ऑल्सो इट हैज एन इंटीग्रेटेड 5G मॉडम। तो आप बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इंक्रीज होना, पावर एफिशिएंसी ऑफ कोर्स इंक्रीज हुई है। सैमसंग इज क्लेमिंग 20% इंक्रीज, ऑल्सो CPU में 30% और GPU में 40% इंक्रीज है। क्या लाइन से चल रहे 20, 30, 40? ऑल्सो दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी द लास्ट Exynos चिपसेट विद अ माली GPU। अगले Exynos में वो भी GPU होएगा। ओके, अगले Exynos चिपसेट में एक्सपेक्टेड है AMD के GPU, जो कि काफी अमेजिंग साउंड कर रहा है अभी। लेट्स सी। तो अब आते हैं जो Samsung ने फोन एक्चुअली रिलीज की Exynos 2100 के साथ, एंड वो है S21, S21 Plus एंड S21 Ultra। तो लास्ट से काफी चीपर है ये मॉडल्स, $100 to $200 का हर जगह प्राइस डिफरेंस है। $800 का S21, $1000 का S21 Plus एंड $1200 का S21 Ultra। एंड ऑल्सो बिकॉज ये प्राइसेस थोड़े कम हुए तो थोड़े फीचर्स भी कई कई उन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए। फॉर एग्जाम्पल जैसे S21 और S21 Plus खाली 1080p दिख जाते हैं स्क्रीन्स, एंड ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो ऑलरेडी 1080p 120 हर्ट्ज़ यूज़ कर रहे थे, बट ऑप्शन रहना फिर भी अच्छा लगता है। 2K स्क्रीन बहुत टाइम्स जल रहे हैं तो सैमसंग को ये शायद नहीं करने का, आई डोंट नो। बस एक और कॉस्ट सेविंग मेजर है वो है इन लोगों ने पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग यूज किया पीछे S21 एंड S21 Plus में। आई डोंट नो व्हाई सैमसंग क्यों कर रहा है। नोट 20 साथ भी ऐसे किया था आई थिंक, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे S20 FE का सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट वर्जन लग रहा है ये। ठीक है भाई, कलर्स काफी अच्छे, फैंटम ब्लैक लुक्स वेरी वेरी गुड सारे फोन्स में। एंड ऑल्सो एस पेन सपोर्ट आ चुका है S21 अल्ट्रा में, साथ में नहीं आता है एस पेन बट आप खरीद सकते हो अलग से एंड यू कैन यूज दैट। या फिर एक आई गेस ओल्डर वाले मॉडल भी चल जाएंगे अगर आपको चीपर एस पेन चाहिए बस खाली नोट्स के लिए, बिकॉज न्यू वालों में थोड़ी एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। एक और चीज जो सैमसंग जो पहले मजाक उड़ा रहा था एप्पल का बट दे हैव नाउ कॉपी, वो है कि चार्जर नहीं आ रहा बॉक्स के अंदर। एंड नाइस सैमसंग, और मजे लो बाकी लोगों के फिर खुद गलतियां करो। एंड ये भी उन लोगों ने बोला है फॉर द एनवायरमेंट एंड या मे बी हो सकता है सबके माइंड में चल रहा है बट वी डोंट थिंक सो। एंड लास्ट चीज ये थी कि मैं भूल गया, मैं नीचे देख रहा प्राइस ऑफ द चार्जर इज नाउ लोअर फ्रॉम $35 to $20 कर दिया इन लोगों ने। तो अराउंड ₹1500 में शायद से अगर चार्जर मिले तो आई थिंक दैट्स फाइन, बट सिर्फ अलग से खरीदने का एक इनकन्वीनियंस होता है। तो फोन्स के साथ साथ उन्होंने अपने गैलेक्सी बर्ड्स प्रो भी लॉन्च किए, जो कि थोड़े गैलेक्सी बर्ड्स प्लस जैसे दिखते हैं बट थोड़े से ओवल शेप है उनका। ऑल्सो गैलेक्सी बर्ड्स लाइव जैसा उनका केस है। तो इसमें ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी साउंड इम्प्रूवमेंट्स तो की हैं, लेकिन एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी दी है एंड माइक्रोफोन्स की क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव किया उन्होंने। तो you'll get a good experience basically. They offer 8 hours of battery life without active noise cancelling and 5 hours of battery life with active noise cancelling, which is pretty decent for birds ke liye bhai. Birds ke sath unhone smart tags bhi launch kiye, jaise humne baat kiye the smart tags ब्लूटूथ लो एनर्जी यूज करती हैं एंड स्मार्ट टैग्स प्लस भी निकाले हैं जो अल्ट्रा वाइड बैंड्स यूज करते हैं, व्हिच इज द हायर वर्जन। वो आई थिंक साल में थोड़ा लेटर आएंगे, लेटर हाफ ऑफ 2021। तो बेसिक ट्रैकर्स हैं जिसको आप किसी भी लगा सकते हो एंड यू कैन कीप ट्रैक ऑफ इट टिल आई थिंक 120 meters। तो चाबी क्या वॉलेट बैग्स इवन आपके पेट की लीश पे आप लगा सकते हो एंड इट विल बी प्रीटी इजी प्रीटी कन्वीनियंट टू ट्रैक देम व्हेरेवर दे गो। तो आपका डॉग आपसे दूर भाग गया तो भी आप उसके पास जाते हो? हाँ, क्योंकि वो आपके पास रहना नहीं चाहता इसलिए वो आपसे दूर भाग गया।
तो PSVR के प्री ऑर्डर चालू हो गए थे इस हफ्ते ऑन जनवरी 12th एट 12 PM, एंड अगर आपको मिल गए तो सोचो कि आप बहुत लकी हो, बिकॉज सोनी ने स्टेटमेंट इशू कर दिया है कि इसके बाद और प्री ऑर्डर नहीं होने वाले अंटिल एटलीस्ट द रिटेल डेट जो है February 2nd. एज फॉर अस, हमको नहीं मिली PS5 बिकॉज मैं 12 बजे मेरे को याद नहीं था, मैं 12:04 को बैठा, हाँ 4 मिनट लेटर, और कहीं भी नहीं मिला मेरे को. थैंक्स सोनी, क्या एक एक निकाला क्या हर एक साइड पे, तो उन्होंने क्या किया? आई डोंट नो, बहुत बड़ा फियास्को चल रहा है. रिलायंस डिजिटल भी ओवरबुक हो गया था, तो उन्होंने 50% अपने PS5 ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए. काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, एंड रिटेल यूनिट्स की भी कोई बात नहीं की उन्होंने कि लॉन्च डे पे भी अगर रिटेल स्टोर्स के पास यूनिट्स होने वाले हैं या नहीं, एक्स्ट्रा अमेजोन पे आएगा नहीं आएगा क्या होएगा. तो सोनी ने काफ़ी वापस मिसमैनेज किए, आई गेस सप्लाईज है नहीं उनके पास जो ये सब चल रहा है. एंड या अगर लाइक सोच लो, अगर वो था प्रॉब्ली वही पॉइंट था PS5 लेने का इन इंडिया अंटिल जो नेक्स्ट वीक प्री ऑर्डर का रिलीज आता है. अभी भी कुछ कुछ बातें चल रही है कि शायद से डिजिटल एडिशन नहीं आएगा, बट February 2nd के पहले मत एक्सपेक्ट करो, बिकॉज सोनी ने ही बोल दिया इसके बाद शायद. तो CES पे फाइनली लॉन्च हुए लैपटॉप्स विद Ryzen 5000 सीरीज CPU एंड 3000 सीरीज GPU RTX, तो विच इज अ प्रिटी प्रिटी अमेजिंग थिंग. Asus, Acer, Lenovo एंड XMG ने अनाउंस किए काफ़ी सारे लैपटॉप्स, लेकिन सबसे बड़ा जो था वॉज Asus का Zephyrus G14, जो लास्ट ईयर का वन ऑफ द बेस्ट, या द बेस्ट बोल सकते हैं आप, जो लैपटॉप था. Asus ऑल्सो अनाउंस द Flow X13 लैपटॉप, जो कि काफ़ी स्लिम है लेकिन गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी यूजफुल. Also, another big announcement was the RTX 3060, जो कि अभी उनका cheapest GPU है, which runs about $70 cheaper than the 3060 Ti. तो honestly, अभी इस point पे gaming में घुसना is the best time. काफी सब कुछ काफी cheap है, new consoles भी अभी आए हैं, and सारे new chipsets and GPUs very good time to get into gaming. According to Bloomberg, Apple शायद से वापस ला रहे हैं अपना MagSafe connector to MacBook Pro, जो इस साल रिलीज होएगा, and ये MagSafe connectors पहले बहुत popular होते थे, but they got replaced by USB Type-C, which is also good, and काफी लोग खुश हुए थे उसकी वजह से, because Type-C काफी universal application है उसका, but लोग दुखी भी हुए थे, because MagSafe was actually a very good innovation, wherein कि अगर आप wire पे trip हो गए तो वो निकल जाता था. तो मे बी होपफुली दे कैन फाइंड अ सोल्यूशन कि MagSafe भी कर सकते यूज एंड USB Type-C से भी चार्ज कर सकते, बिकॉज टाइप सी पोर्ट बस लगाने हैं चार्जिंग के लिए, जो भी उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं मीट करने हैं उनका, तो होपफुली दोनों आ जाए. एंड एक और एप्पल रूमर है कि शायद से टच आई डी वापस आ रहा है ऑन टू iOS, बट इस बार आएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के टाइप. तो पता नहीं वो लोग अल्ट्रासोनिक यूज करने वाले लाइक सैमसंग और मे बी ऑप्टिकल लाइक OnePlus, बट जितना रूमर बता रहा है कि ये रिप्लेस नहीं करने वाला फेस आई डी को, बट विल वर्क अलॉन्ग साइड इट. तो प्रॉब्ली मे बी उनको अगर नॉच एक दो साल में फेज आउट करनी है तो पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे टच आई डी एंड इवेंचुअली फेस आई डी पर निकालना शुरू करेंगे. सी डी प्रोजेक्ट रेड के जो को फाउंडर है मार्सिन इवेंस्की, उन्होंने अपोलोजाइज किया है फॉर द स्टेट ऑफ साइबरपंक 2077. तो गेम आई एक्सबॉक्स वन और PS4 पे, एंड भाई मतलब वैसे कचरा कर दिया उन्होंने गेम का. नहीं मतलब इट वाजंट रनिंग एकदम स्मूथली, बग्स थे बहुत सारे, क्रैशेस थे, ग्राफिक्स बहुत गंदे थे, कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ चीज़ें लोड नहीं हो रही थी. तो हाँ, इनके लिए उन्होंने पब्लिकली आके सॉरी कहा है. ऑल्सो देव लेड आउट प्लान्स कि कैसे फिक्स करने वाले हैं सारे बग्स को. ऑल्सो नेक्स्ट जेन कॉन्सोल्स की बात करते हुए देव सेड कि लैटर हाफ ऑफ द ईयर, तो एंड ऑफ 2021 समझ लो, दे विल बी रिलीजिंग द नेक्स्ट जेन वर्जन्स. गूगल और फिटबिट की स्टोरी बहुत टाइम से चल रही है, और हमने 2-3 हफ्ते पहले भी बताया था कि सॉर्ट ऑफ एक डिसीजन रीच हो रहा है, एंड फाइनली हो चुका है. गूगल ने फिटबिट को अक्वायर कर लिया. ये हुआ था आफ्टर अ लॉट ऑफ एंटी ट्रस्ट डिस्कशंस यूरोप में, एंड गूगल को क्लैरिफाई करना पड़ा कि वो लोग फिटबिट को अक्वायर कर रहे हैं फॉर द टीम जो उनके हेल्थ डिवाइसेज अब बनाएगी गूगल के लिए, एंड नॉट बिकॉज उनको फिटबिट का डेटा चाहिए था लोगों को एड्स बेचने के लिए, जो गूगल का हमेशा एजेंडा होता है. एंड दे गिव एन एग्जांपल, जैसे लोगों ने नेस्ट को अक्वायर किया था फॉर मेकिंग द स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स बेटर, एंड लोगों का वो भी डेटा के लिए अपेरेंटली नहीं लिया था उन्होंने, घर पे ट्राई करेंगे. They have also said कि जितने भी लोग Fitbit पे हैं, they will have the option of retaining all of their information on their Fitbit account, and कहीं भी externally share नहीं करना पड़ेगा. For example, Google Fit या कोई भी और fitness app, तो फिर सबका data secure होना चाहिए.
तो Xiaomi के काफी रूमर्स आए थे ऑफ अ फोल्डेबल फोन, लेकिन अभी पब्लिक में लीक हो चुका है वो. Vivo पे एक पोस्ट आया था, उसके फोटोज शेयर हुए थे ऑफ द Xiaomi फोल्डेबल फोन. क्लैम्पशेल लाइक डिजाइन है, लाइक द गैलेक्सी फोल्ड एंड फोल्ड Z फोल्ड 2. ऑल्सो ज्यादा कुछ है नहीं उसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन दो चीजें पता है. इट यूजेस MIUI 12 जो उनका लेटेस्ट वर्जन है, and 256 GB of internal storage. Bas, that's it. That was the last news. WTN khatam. Thank you guys so much for watching. आज इस हफ्ते का weekly tech news हम लोग आएंगे अगले हफ्ते. मैं date नहीं specify करूँगा because हम लोग कभी match नहीं करते. अगले हफ्ते की tech news के साथ. अगर आपको अच्छा लगा तो video को like कर दो, video को share कर दो अपने दोस्तों के साथ, channel को subscribe कर, नमाज पढ़ना for weekly tech news and infrequent. दूसरी वीडियोस आल्सो बेल बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको सबसे पहले देखने को मिले. आल्सो कुछ बात करनी है आपको, कुछ डिस्कस करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हो, या फिर यू कैन राइट टू अस एट ट्विटर ऑन द ट्विटर. हमारे पर्सनल चैनल्स चेक कर लो नीचे. ये व्लॉग करता है, मैं गेम करता हूं. ठीक है जी, बस चैनल्स इंटरचेंज कर लिए हमने. आल्सो हां, हम लोग निकलते हैं. चलो पीस.